हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर वॉचिंग कॉलेज कंपेनियन। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया के वन ऑफ द लेटेस्ट कोर्सेज के बारे में। यस, यू हर्ड इट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IIM बैंगलोर के प्री डॉक्टोरल फेलोशिप कोर्स के बारे में। प्री डॉक्टोरल एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। सो बेसिकली प्री डॉक्टोरल कोर्स में आप एक मास्टर्स कोर्स और एक डॉक्टोरल यानी एक PhD प्रोग्राम को गैप को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रिसर्च को लेकर है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। सो यहाँ पर IIM बेंगलोर का ये एम है कि जो जनरली ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं होते हैं मैनेजमेंट एकेडमिया में लोग, उनको यहाँ पर एक 1 ईयर की फेलोशिप दी जाए और उनको उस कोर्सेज के लिए रेडी किया जाए, ताकि वो जब अप्लाई करें डॉक्टोरल कोर्सेज के लिए तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, SOP लिखा जाता है, उनकी मैथ उस लेवल की पहुंच सके। सो बेसिकली ये पूरा एम है IIM बैंगलोर का इस कोर्स के साथ। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एरियाज में फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। सो ये फेलोशिप दी जा रही है डिसीजन साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HR, पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में। सो इसमें से आप किसी भी अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च इंटरेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, या कोई इंटीग्रेटेड 5 ईयर मास्टर्स डिग्री आपके पास होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप के पास CA CS ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम इसके टारगेट ग्रुप की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ग्रुप्स ट्रेडिशनली कम रिप्रेजेंट हुए हैं मैनेजमेंट एकेडमिया के अंदर, वो इनका मेन टारगेट ग्रुप है। सो वन ऑफ दीज कैटेगरीज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। सो ये लिस्ट दे रखी है उन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए, SC ST NC OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी, Person with disabilities, women and gender minorities, persons with primary या secondary schooling जिनकी vernacular medium of instruction में हुई है, या फिर उन्होंने rural schools या government schools से अपनी schooling की है, वो लोग सभी यहाँ पर apply करने के लिए eligible रहेंगे। Next, fees यहाँ पर form भरने की है around 500 rupees, लेकिन उसके बाद आपको don't have to give any fee, instead you will get a stipend. You will get a stipend of around 25,000 per month, जिसके साथ आपको एक हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ हॉस्टल फैसिलिटी, सो इंस्टेड वो आपको एक हाउस रेंट अलाउंस देंगे विच इज अराउंड 8,500। सो यू कैन ऐड दिस स्टाइपेंड एंड दिस अमाउंट, सो आपका अराउंड 33,000-34,000 की यहाँ पर फुल फेलोशिप पर मंथ आपको ग्रांट की जाएगी। यहाँ पे कंटिजेंसी ग्रांट भी प्रोवाइड की जा रही है, सो अगर आपको कुछ भी इक्विपमेंट खरीदना है, कुछ भी एकेडमिक मटेरियल आपको खरीदना है, तो आपको 25,000 उसका भी एक अलाउंस दिया जा रहा है। बिसाइड्स इफ यू डू सम रिसर्च देयर ड्यूरिंग योर फेलोशिप टाइम एंड गेट पब्लिश्ड, आपको किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाएगा फॉर ट्रैवलिंग और पब्लिकेशन पर्पजेज। एंड आपको ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड होगा जिस भी लैब के अंडर आप रिसर्च कर रहे होंगे, जिस भी फैकल्टी के अंडर आप काम कर रहे होंगे, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। जैसे कहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी एक टाइम लिमिट के साथ आती है, तो यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की इज 31st of March, एंड बेस्ड ऑन जो भी आपका पूरा एप्लीकेशन रहेगा, आपके रेफरेंसेस जो आपके बारे में कहेंगे, और ओवरऑल आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू डेट्स इज अराउंड 3rd week of April, एंड depending on that you will get to know the final result, then I think the session will begin in June, so all the best. Ho sakta hai ki aap is opportunity ke liye eligible na ho, lekin I'm sure ki at least kuch to aapke friends honge jo yahan eligible honge, so please isko share kijiye jitna possible ho, because we really need people to know about these opportunities and then make a decision about kis raste unhe jana hai, we need to inform them, so please isko share kijiye jitne bhi friends ke sath aap kar sakte hain. And thank you so much. See you in the next video.